दर्द कैसा भी हो, चोट कैसी भी हो, उसके निशान ता उम्र हमारे साथ रहते हैं। और अगर भारत के इतिहास में सबसे बड़ा दर्द किसी को गिना जाता है तो वो 1947 के बंटवारे का दर्द है, जो किसी एक घर या किसी एक मजहब की कहानी नहीं, पर ये तो पूरे भारतवर्ष के दर्द की कहानी है। और जहां अब तक बॉलीवुड एंटरटेनिंग और कॉमेडी मूड में दिखता रहा है, अब वो ऐसे ही दर्द से जुड़ी मूवी 47-84 हुन मैं किसनू वतन कहूंगा से एक्सपेरिमेंटल जॉनर में कदम रख रहा है। इस फिल्म का उद्देश्य मजहब को भुलाकर आपसी प्यार का मैसेज देता है। काफी सिटीज में प्रमोशन कर चुकी इस फिल्म की स्टार कास्ट पहुंची ट्राई सिटी में, और फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर आर शीन ने बताया कि इस फिल्म में उस समय की खुशियों जैसे गिद्दे भंगड़े के साथ साथ होपलेस दौर पर भी म्यूजिक दिया है। 47 विच किवें सारे हिंदू मुस्लिम सिख इकट्ठे रहिंदे सीगे, सांझे चुल्हे ते रोटियां बनाउंदे सीगे, गिद्दा पाउंदे सी, भंगड़ा पाउंदे सीगे, असीं उस माहौल च वी गीत शूट कीता। फिर जदों दंगे हुंदे ने उह जिहड़ी रात आ, उहदी डार्कनेस आ, उहदी जिहड़ी भयानकता वा, जो लाइट रात को असी रिप्रजेंट ये किया है कि उद होप नहीं सी, सारे पास कतलेआम सी, वो गाना साडा रिप्रजेंट करता है उसके माहौल। फिल्म के सॉन्ग हुन किसनू वतन कहां का सही मतलब और मकसद भी बताया। फिर गाना सी रिकॉर्ड किया हुन किसनू वतन कहां का, इनका ताल्लुक ये नहीं है कि असी अपनी कंट्री तो वक् होने की गल कर रहे हैं। वो गाना संत रामदास जी ने लिखा सीगा कि साडा जिहड़ा कॉन्स्टीट्यूशन आ, साडी जुडिशरी आ, साडा जिहड़ा जिहड़ा कानून दे उत्ते असीं रह रहे हां, हर नागरिक हिंदू सिख मुस्लिम, वो कित्थे आ? लखां लोकां ने 12,000 लोकां नूं मारता, एक बंदा कन्विक्ट नहीं होया, ते असीं इस कंट्री तां रह रहे हैं कि सानूं साडे कॉन्स्टीट्यूशन ने कहा कि तुसीं रहो, तुहानूं रहण दा, खाण दा, पीण दा, कहण दा हक है। वो कॉन्स्टीट्यूशन कित्थे आ जिंदे उत्ते तुसीं कहिंदे कि असीं वायलेंस नहीं करना चाहुंदे? वायलेंस उदों तक हुंदी रहिंदी है जदों इक बंदा सहिंदा रहिंदा। असी इस गाने च रिप्रेजेंट करना कोशिश की है कि लोगों तक, दिलों तक ये गल पहुंचे कि नहीं, जुल्म होया, इनजस्टिस होया, इनके खिलाफ अपन लड़ना चाहिए। ना सिर्फ हमने सीरियस म्यूजिक डाला है, पर एंटरटेनमेंट को ध्यान रखकर एक लव सॉन्ग भी है, कुछ ऐसा कहा आर शीन ने। रोमांटिक सॉन्ग है साडे विच, ओपेरा है, जो हीरो हीरोइन की आपस की जी केमिस्ट्री है, चाहे एक आदमी टैररिस्ट है या कुछ भी है, रोमांस तो उनकी लाइफ होएगा ही ना। वो फीमेल जी है वो इंस्पिरेशन है, वो आखिर तक उन्हें नाल साथ देती है, और उन्होंने प्यार की कैमिस्ट्री भी इस फिल्म की एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो होर अलग किस्म का म्यूजिक है, ये नहीं कि सिर्फ असी बहुत सीरियस म्यूजिक ही पाया वा, एंटरटेनिंग भी है, तो बट कहानी के नाल नाल जिवें कहानी डेवलप करती है उवें भी म्यूजिक डेवलप कर। फिल्म के साथ साथ अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत के बारे में भी बात की एक्टर जफर ढिल्लो ने। मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, सिंगे वाला गांव है मेरा, तो बॉम्बे में गया था स्टडीज़ के लिए, अपना स्टडीज़ वहाँ पे कंप्लीट किया, बट इंडस्ट्री में इंटरेस्ट था तो वहाँ पे जुड़ा हुआ था एक्टिंग में, इंस्टीट्यूट से वहाँ से मैंने एक्टिंग का कोर्स भी किया। सो फिर मैंने इशकज़ादे फिल्म की, तो ये पंजाब बबली जी और मेरे इनसे मुलाकात होती रहती थी थोड़ी, तो इन्होंने फिर मुझे बताया कि हम ऐसी फिल्म बना रहे हैं। तो एज ए एक्टर मैंने सोचा कि किरदार होते हैं एक्टर के, तो वो चाहे मैं बॉलीवुड में कर रहा हूँ या बॉलीवुड में कर रहा हूँ, मैं अपना किरदार प्ले कर रहा हूँ। एक पंजाबी होने के नाते फिल्मों और अपने कैरेक्टर के साथ अपने इमोशंस जुड़े हुए बताया जफर ने। बबली जी से इस फिल्म में काफ़ी हेल्प मिली है, क्योंकि 84 का जो पीरियड था उन्होंने खुद देखा था, तो वो बताते थे कि सब ऐसी थी चीज़ें उस टाइम पे, ऐसा था वैसा था, बाकी हमारी कहानी काफ़ी बैलेंस्ड है तो उसमें काफ़ी हेल्प मिल गई थी। और किरदार इमोशंस थोड़े जुड़े हुए थे, क्योंकि पंजाब का रहने वाला हूँ तो एज अ सिख पता होती हैं चीज़ें सारी। I have been taking challenges in my personal and professional life. कुछ ऐसा कहना था Natasha Rana का। My first Punjabi film, it's a debut for me, very close to my heart. और मुझे नहीं लगता even Hindi films में भी, पंजाबी में भी, कहीं पे भी female protagonist या female ऐसे roles बहुत कम बनते हैं strong. So I was lucky to get it. और दूसरा, मुझे हमेशा से I have been you know taking challenges in personal and professional life. एंड आई फेल्ट इट इज़ अ चैलेंज बिकॉज जब आपके साथ कुछ हुआ नहीं होता ना, तो उस पेन को एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है, एंड इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट फॉर फिल्म फॉर मी। आज के दौर की मूवी से बिल्कुल अलग ये पंजाबी मूवी 30 मई को रिलीज होने वाली है। काफी समय बाद ऐसे इश्यूज पर ये फिल्म, देखते हैं दर्शकों को कितना अपनी ओर आकर्षित करती है। कैमरामैन श्रवण कुमार, प्रभजोत पवार और खुशबू शर्मा के लिए जयदीप मित्रा, डे एंड नाइट न्यूज, चंडीगढ़। खबरां दी दुनिया विच आओ।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।